लोकली चूज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको मालूम है कि प्रदेश सरकार ने बड़े पॉम्प एंड शो के साथ बड़ी एडवर्टाइजमेंट के साथ बड़े अपने आप को शाबाशी देने के साथ शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 तक का 20 वर्षों का पीछे जो है किया स्वीकृत किया था और उसमें काफ़ी रियायतें भी दी गई थी कागज़ों में कि शिमला में जो है अब 4-स्टोरी कंस्ट्रक्शन हो सकेगी और उसके साथ एटिक का भी सुझाव उन्होंने उसमें एटिक भी किया था कि एटिक जो है वो अलाउ होगी, साथ ही पार्किंग अलाउ होगी। किंतु मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक उन्होंने एक कागजी घोड़ा दौड़ाने वाली बात जो है की थी, क्योंकि उसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है खारिज कर दिया है और साथ ही सरकार के अधिकारियों को भी फटकार लगाई है कि उन्होंने किस तरह से एनजीटी का जब बैन है 2.5 स्टोरी का शिमला शहर में कोर एरिया में तो उसको कैसे उन्होंने वायलेट किया। तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये सरकार 2017 में एनजीटी का जो ऑर्डर आया था उसको उसके विरुद्ध जो है वो किसी भी जो एप्रोप्रिएट जुडिशियल फोरम है उस पर अपील नहीं दायर कर पाई और ना ही उसको चाहे वो हाई कोर्ट में लेती, या ये तो सरकार का काम था, सरकार के पास अपना जो लॉ का जो तंत्र है लॉ सेक्रेटरी से लेकर नीचे अधिकारी हैं उनसे अपना वो मशवरा लेती और साथ ही साथ जो किसी भी उसको चाहे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील फाइल करती, वो कुछ नहीं किया और एक अलग से जैसे एक मनमाने तरीके से जैसे समझते हैं कि कानून के बाहर जो है उन्होंने शिमला डेवलपमेंट प्लान को जो है लागू किया उसको स्वीकृत किया। लागू तो वो हो ही नहीं पाया क्योंकि उस पर एनजीटी ने रोक लगा दी और एनजीटी ने अब जो है बहुत ही एक सरकार के जो कार्यप्रणाली है इस पर ही उंगली उठाई है। तो ये बहुत ही गंभीर मसला है और समझता हूँ मैं और आप सब लोग जानते हैं कि ये सिर्फ एक हाफ कुक्ड उन्होंने अटेम्प्ट किया था लोगों को लुभाने के लिए चुनावी वर्ष में, जैसे उन्होंने चुनावी वर्ष में हमारे माननीय यहाँ के विधायक और मंत्री उन्होंने बड़े बड़े जोर शोर से जो है कहा कि हमने जो लैंडलेस लोग हैं उनको हम 2 बीसवा ज़मीन दे रहे हैं शहर में। तो आप देखिए इस बात को भी पिछली विधानसभा में उन्होंने पारित किया प्रस्ताव, तो आज उस बात को भी लगभग 5-4 महीने हो गए हैं। आप बताएं कि किसी भी एक व्यक्ति को 2 बीसवा ज़मीन मिली है, क्योंकि उसमें जो लीगल उन्होंने फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की और ना ही कोई लैंड आइडेंटिफाई की, क्योंकि शिमला और दूसरी बात उसमें एक रखी थी कि जो 1975 से पहले जिनके यहाँ पर ढारे बने होंगे। अब आप लगाइए हिसाब कि लगभग 50 वर्ष पूर्व तो कोई ढारे थे ही नहीं शिमला शहर में। ये तो जब शिमला शहर में बाहर से लोग आए, चाहे वो शिमला के हिमाचल के अलग हिस्सों से या हिमाचल के बाहर से, और जहाँ उनको स्थान नहीं था कंस्ट्रक्शन में और सब जगह वो लगे, तो तब उन्होंने अपने रहने के लिए ढारे बनाए। तो वो काम तो जो है 50 वर्ष पूर्व तो कोई था ही नहीं, तो सिर्फ ये भी एक चुनावी जुमला ही था उनका और उसके अलावा कुछ नहीं। तो इसी तरह से आप लोकल इश्यूज में देखिए कि शिमला में आज ये 5 साल इस सरकार के पूरे हो रहे हैं। पहले इन्होंने कहा था कि हम 24 घंटे पानी देंगे, पानी की हालत आपने देखी थी कि किस तरह से लोगों को जो है पानी मिल रहा है। जब गर्मियां होती हैं तो पानी कम हो जाता है का बहाना लगाते हैं, जब बरसात आती है तो पानी में गाद आ जाती है तो वाटर सप्लाई फिर ठप हो जाती है। तो ये जो सिलसिला है ये पूरे 5 साल चलता रहा, इसमें कोई सुधार नहीं हुआ, कोई भी इसमें सिर्फ जुगलेबाजी होती रही और कोई सुधार नहीं हुआ। इसके साथ साथ ही पार्किंग की समस्या वहाँ की वहाँ है यहाँ पर थी, और ट्रैफिक तो आप देख ही रहे हैं कि जब भी वीकेंड होता है तो ट्रैफिक का क्या होता है कि 2-2 घंटे जो है बालूगंज से बस स्टैंड तक पहुँचने के लग जाते हैं। तो किसी भी तरह से ये मैं समझता हूँ ये सरकार बिल्कुल नाकाम रही है और
सिर्फ इनका ध्यान अब तो ये यहाँ पर इन्होंने जो है आचार संहिता लग गई और जो साथ में गुजरात में चुनाव होने वहाँ नहीं लगाई, अब यहाँ का जो सारा जो इनके केंद्रीय नेता थे सब गुजरात जा रहे हैं। किंतु कितना बड़ा नुकसान इन्होंने प्रदेश को किया है, प्रदेश की इकोनॉमी को आप देखिए। अभी चंबा में रैली हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली हुई, 709 बसों के रूट जो है प्रभावित हुए, 709। और ये नहीं है कि बसें जो है फूल गई, क्योंकि वहाँ से हमारे लोग भी वहाँ थे, वो कहते हैं कि बसों में चार चार पाँच पाँच लोग गए और 3 दिन जो है बसों के रूट प्रभावित हुए। पहला दिन जब वो वहाँ से गए, दूसरे दिन वहीं रहे और तीसरे दिन वापिस आए। सारे प्रदेश में इन्होंने जो है वो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बिल्कुल ठप कर दिया। और गए कौन लोग, जो बेचारे बेनिफिशरीज थे, थोड़े बहुत जिसको किसी को 500 रुपये डाला है, किसी का 5 किलो अनाज दिया है, उन लोगों को जो है स्थानीय अधिकारी जो है ढो के ले गए और इस तरह से इन्होंने भीड़ वहाँ पर इकट्ठी की। तो पूरा इन्होंने जो है वो मिसयूज़ किया है ऑफिशियल मशीनरी का और पूरी जो व्यवस्था है उसको तहस नहस किया। तो और इसके साथ साथ आप देखिए, कोई भी किसी भी तरह से एम्प्लॉयज़ का जो एरियर्स है वो नहीं दिया। तनख्वाह जो है उनकी ठीक है, सैलरी मिल रही है, जो दिवाली के टाइम उनको बोनस मिलता था वो नहीं दे पाए। एम्प्लॉयज़ जो है वो आज परेशान है। हर एम्प्लॉय हर जगह पर, चाहे वो केंद्र सरकार में है, चाहे प्रदेश सरकार में है, चाहे किसी भी निगम में है, उनकी भी किसी भी तरह से उनके ड्यूज जो है आज तक पे नहीं कर पाए। हालांकि कर्जा ये ले जा रहे हैं, कर्जा का जो है हर मास जो है लिया जा रहा है, किंतु वो कहाँ खर्च हो रहा है, सिर्फ इन रैलियों में और इस तरह के और जो होर्डिंग्स लगाने में खर्च हो रहा है और कहीं भी जो है इसका नज़र नहीं आता। लॉ एंड ऑर्डर का आप सिचुएशन देख लीजिए, शिमला जिला में ही अभी 2 मर्डर हुए, अभी कोई पता नहीं लगा उनका, रामपुर में हुए। अब आप देखिए, हमारा शांति प्रिय प्रदेश है भाई, अगर यहाँ पर ये माइग्रेंट लेबर आज से नहीं आ रही है, माइग्रेंट लेबर तो जब यहाँ काम होगा, प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आती है, तो उसको किसी तरह से कोई इनके पास ऐसा तंत्र नहीं है कि उनको रेगुलेट करें, उनको मॉनिटर करें, कुछ नहीं है। बिल्कुल जो है प्रशासन जो है बिल्कुल सोया हुआ है। और साथ ही साथ दूसरी बात, जो भी शहर में आप देख लीजिए, कोई विकास नाम की चीज़ नहीं है। सिर्फ जो है एक, मैंने पहले भी कहा था, स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसे की बर्बादी की गई है, सैकड़ों करोड़ रुपया बर्बाद किया गया है, चाहे वो रिटेनिंग वॉल लगा के या इतने बड़े बड़े हैवी स्ट्रक्चर बना के, और पेडेस्ट्रियन पाथ भी वहाँ बना रहे हैं जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, जंगल में जहाँ पर कोई जाता ही नहीं है, वहाँ पर सिर्फ ये है कि एक टारगेट है इनका कि किसी तरह से अपने लोगों को कैसे फ़ायदा पहुँचाए। तो ये सरकार जो है इसका 5 साल का कार्यकाल बहुत ही निराशाजनक, बहुत ही जो है जन विरोधी रहा है, और हर प्रकार से जो है लोगों को असुविधा हुई है। और अब लोगों ने पूरी कमर कस ली है, हमारे चाहे प्रदेश के बागवान हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, वो सब आज इस सरकार को आने वाले जो 12 नवंबर को इनको जो है पूरा जवाब देंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार को यहाँ पर लाएंगे। धन्यवाद। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने टाइम टाइम पर जो है इसके बारे में जो है लोगों को बताया है, प्रेस में भी कहा है कि किस तरह से जो है स्मार्ट सिटी प्लान को ही चेंज कर दिया गया, जो उसमें जो बेसिक जो प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो डी कंजेशन है या जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको अच्छा बेहतर बनाना है, या फिर जो यहाँ से मार्केट्स बाहर जानी थी, वो कोई भी काम जो है 5 साल में नहीं हुआ। और कई तो फाउंडेशन स्टोन जो है वैसे के वैसे रह गए। सब्जी मंडी का राजा साहब ने फाउंडेशन स्टोन 2017 में रखा था, 17 के शुरू में, तो आप देखिए 5 साल में उसमें कोई काम नहीं हुआ। वहाँ से रोड आनी थी ऊपर, जो कि सर्कुलर रोड से मिलती, ताकि कंजेशन ख़त्म होती, जैसे ट्रैफिक जैम होते हैं, और कई तरह के और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं
वो वैसे के वैसे रह गए, उसमें कोई काम नहीं हुआ। अब ये तो जो अभी प्रश्न आपका है ये तो भविष्य के गर्भ में है, अब पहले कुछ आ जाए तभी कुछ बात हो सकती। देखिए ऐसा है, अब ये तो मैं आपको कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी की भी रैलियां होती थी मुझे पता है, मैं तो पिछले 30 साल से देख रहा हूँ रैलियां भी और ये भी। हम लोगों को टारगेट दिया जाता था कि आप जो इतने लोग लाओ, बसों का इंतज़ाम करो, पैसे जमा कराओ। मगर आज इन्होंने नया तरीका ढूंढा, मैं जैसे आपको कहा, वो नया तरीका क्या है, अब सरकार के बेनिफिशरीज तो हैं सब जगह होते हैं। आपने 1500 रुपये किसान सम्मान निधि डाली, किसान को लिस्ट इनके पास है, ये क्या करते हैं लोकल अधिकारियों को लिस्ट देते हैं कि, और वो कहते हैं कि आप इनको इन्फॉर्म करो और इनको लेके आओ। उसके लिए ये सरकारी जो ये है सरकार की जो पूरी खर्चा है वो सारा बसों का और इसका वो सरकार के खाते में डालते हैं। अभी आपने जब भी देखा प्रधानमंत्री जी आते हैं, रिज पर भी आए, बेनिफिशरीज से बात करवाते हैं, तो उसका मकसद क्या होता है? बेनिफिशरीज तो वो 5000 को लेके आएंगे, 2 से बात करा देंगे और जस्टिफाई हो जाएगा ये तो सरकारी रैली है। तो इस तरह से जो नया तरीका इन्होंने निकाला है गवर्नमेंट के फंड्स को मिसयूज करने का, ये कांग्रेस के टाइम में कभी नहीं हुआ। मैंने आपको कहा कि हम जाते थे हमारी रैली, मैं 30-35 साल से रैलियाँ देख रहा हूँ, और हम लोगों को स्थानीय नेताओं को और जो बड़े नेता वो टारगेट देते थे आप इतने लोग लेके आइए, बसों के पैसे जमा कराते थे HRTC के। ऐसा नहीं हुआ कि वो बेनिफिशरीज के लिए गवर्नमेंट पैसा देती, गवर्नमेंट फंड कभी मिसयूटिलाइज नहीं हुआ।